नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 20 से 23 अगस्त 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप सबों को ध्यान पूर्वक देखना है। अगर आप पहली बार इस सीरीज से आप जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये दैनिक समाचार पत्रों का निचोड़ है, जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, जो क्लासेस आपका छूट चुका है, आप लोग पिछला क्लासेस को समय निकाल के जरूर देखिएगा, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स का हो या फिर मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। ये सभी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और 100% एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। आज के सेशन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बात मैं पुनः यहाँ पर आप सबों के बीच दोहराना चाहूंगा। रिसेंटली जितने भी एग्जाम बिहार में आयोजित हुए हैं, वहां पर हमारे जो बताए हुए प्रश्न हैं वो लगभग पूछे गए हैं। 99% मान के चले, 1-2% इधर उधर हो सकता है, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि सारी घटनाएं, सारे तथ्य जो करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी को हम लोग यहां पर कवर करते हैं। तो निसंदेह ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न से। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बिहार में जन्मे निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा सेटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। देखिए, ऐसे तो यहाँ पर इसको लेकर बहुत सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, यह है प्रमोद भगत, बिहार के हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। हालांकि पैरा बैडमिंटन में आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो अभी हाल ही में इन्हें निलंबित किया गया, तो ऐसे में एक बड़ा जो खास करके इन्हें लॉस हुआ है, वो हमने आपको बताया था, जो पेरिस में जो खास करके जो ओलंपिक हो रहा है, तो पैरा ओलंपिक में ये भाग अब नहीं ले पाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रमोद भगत को लेकर और भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मंथली, डेली और ईयरली नोट्स होते हैं, वो सभी आप 2023 से अब तक का जो आपका छूट भी चुका है, तो वो भी आप यहाँ पर हमारा जो BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, इस वाले कोर्स के जरिए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इसे ज्वाइन किए हुए हैं, आप वहां पर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो अलग अलग सेक्शन बने होंगे, आपको जो चाहिए आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका छूट चुका है जनवरी 2023 से, वो सभी PDF फॉर्मेट में आपको यहां पर मिल जाएगा, तो इसका प्रिंट करके आप चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, बताएं कि इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 21 अगस्त को जो बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में प्रदान की गई, मतलब स्वीकृति दी गई, और इसको लेकर जो अभी राज्य सरकार की तरफ से जो राशि को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, ये कितनी, एक्चुअली यही प्रश्न है। राइट आंसर होगा 85 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब यहाँ पर एक्चुअली अगर हम बात करें इस कैबिनेट बैठक की, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की जो एक्चुअली हम चर्चा कर रहे हैं सोशल रजिस्टर की, तो मुख्य रूप से इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 23 अगस्त 2024 को राज्य कैबिनेट बैठक में 31 एजेंडों पर मोहर लगी, और इस बैठक में सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई, और इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक अलग पहचान मिलेगी। आइए इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसको लेकर निकल कर आती है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हर परिवार और उनके सदस्य या फिर जो परिवार से संबंधित सदस्य होंगे, उनको एक यूनिक ID या फिर यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा, या फिर उसका एक यूनिक नंबर बनेगा, और इसी के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा। इसे सरकार यह ट्रैक कर सकेगी कि कौन सा व्यक्ति किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है, या फिर कौन सा परिवार किस योजना का कितना लाभ उठा रहा है, उन्हें लाभ योजना का मिल रहा है या फिर नहीं, ये सारी बातें इस खास करके जो सोशल रजिस्टर है इसके माध्यम से ट्रैक हो सकेगा। साथ ही नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। खास करके यहाँ पर एक बात ये समझ में आता है, बीच में जो बिचौलिए होते हैं
उन सभी से छुटकारा मिलेगा। जिस प्रकार से एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, खास करके अगर हम गांव की बात करें, पंचायत की बात करें, कोई योजना आती है तो बीच में जो बिचौलिए होते हैं बहुत कमीशन खाते हैं योजना का लाभ लेने के लिए। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, जो खास करके वृद्ध जनों को जो पेंशन मिलता है, जिन्हें कि वृद्धा पेंशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वो लेने के लिए भी मुश्किल से 300, 400, 500 होता है राशि, उसके लिए भी घूस देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार से लाभ होगा और एक प्रकार से बिचौलियों की जो इसमें भूमिका है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसके तहत लोगों को एकीकृत पोर्टल से लोक सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिहार वन तैयार किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म होगा, ये नाम यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार वन जो अभी हाल ही में खबरों में है, आई होप आप इसको एकदम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आम नागरिक जो होंगे राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और योजनाओं की जानकारी भी यहाँ से ले पाएंगे, जो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। और यही जानकारी एक्चुअली हमने पूछा भी कि इसके लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति देगी 21 अगस्त 2024 को। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इस कैबिनेट बैठक से संबंधित एक और जानकारी प्रश्न के रूप में यहाँ पर आपके समक्ष है। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, मुझे यहाँ पर ये जरूरी लगा इसलिए हम पुनः इसे दोहरा रहे हैं, हालांकि प्रश्न के रूप में हम पहले ही ये आपको बतला चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार है, और एक बात ये आपको ध्यान रखना कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक 18 बार ये झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है अब नीतीश कुमार के नाम है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक झंडा फहराने का जो पिछला रिकॉर्ड था, पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था, जो 14 बार का रिकॉर्ड था। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, 14 बार का रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये हो चुका है नीतीश कुमार के नाम। एक प्रश्न अराइज ये होगा कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार तिरंगा फहरा चुके हैं? 78वें स्वतंत्रता दिवस को इसमें हम काउंट करें 2024 वाले को, तो अब ये 11 बार हो चुका है। यहां पर इस वाले पॉइंट पे नजर डालिएगा, बतौर प्रधानमंत्री सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड की हम बात करें तो 17 बार का रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू के नाम, इंदिरा गांधी 16 बार, अब इस सूची में नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और मनमोहन सिंह अब चौथे स्थान पर है। तो ये चीजें समझिएगा, अगर हम ओवरऑल बतौर प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बतौर मुख्यमंत्री दोनों को मिक्स करके देखें तो सबसे अधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है ये नीतीश कुमार के नाम है। अच्छा, 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक बात यह भी ध्यान आपको रखना है कि 15 अगस्त 2024 को इस अवसर पर, यानी कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 13 विभागों की झांकी निकाली गई थी। इन 13 विभागों में जो प्रथम 3 पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, ये सभी को हमने आपको ऑलरेडी बतला दिया है, पुनः से यहाँ पर आप इस चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, पहला पुरस्कार जो मिला है ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को मिली है, द्वितीय पुरस्कार मिला जीविका को, तृतीय पुरस्कार मिला उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को संयुक्त तौर पर। अच्छा, पिछले साल भी हमने 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस वाले स्लाइड को बतलाया था, दिखलाया था, ये तमाम जानकारी आपको दिया गया था। इन दोनों को जब आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज आपको कॉमन नजर आएगा, द्वितीय पुरस्कार पर जरा नजर डालिएगा, यहां पर आपको दिखेगा जीविका। इसके अतिरिक्त हालांकि दूसरा जो है कला संस्कृति विभाग भी इसमें शामिल है, संयुक्त तौर पर दिया गया था, और 2024 में इसमें भी आपको द्वितीय पुरस्कार में जीविका दिखेगा, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से एक प्रश्न अराइज होगा कि जीविका की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो विश्व बैंक की सहायता से 2006 में ये स्थापित किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहां पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दिया है? देखिए, थैलेसीमिया एक प्रकार की बीमारी है और आपको इसको लेकर मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल यहां पर जो पूछा गया है प्रश्न, इसको मंजूरी अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, यानी कि थैलेसीमिया योजना एक प्रकार की योजना नई शुरुआत की गई है, इसको मंजूरी एक्चुअली में दिया गया है। तो किसके द्वारा? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बिहार सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है। यहां पर यह समझिएगा कि इसके तहत बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो साथ साथ वेल्लोर का जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, ये संयुक्त रूप से बिहार के 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा
और इस पर होने वाले संपूर्ण खर्च का जो वहन है यह बिहार सरकार करेगी। इसमें जो खर्च आएगी वो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास आएगी। ये चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, हालांकि वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा 15 लाख रुपए तक इसमें खर्च आएगा। ये चीज आप लोग इंटरनेट पर भी, बहुत सारे समाचार पत्रों में भी आ चुका है, वहां पर भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसी सब कार्यों के संचालन के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दिया है, जो अभी हम आपको बता रहे थे बिहार कैबिनेट बैठक में 31 एजेंडों पर जो मोहर लगी है 21 अगस्त को, वहीं से ये बातें निकल कर आती हैं। देखिए सरकारी आंकड़ों के आधार पर जो ये सारी बातें निकली है, वहीं से ये पॉइंट हमने यहां पर आपके समक्ष रखा है। मौजूदा समय में बिहार में 2400 जो रोगी हैं ये थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। ये ध्यान रखें, आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े वो बतलाते हैं, जिनमें कि 12 वर्ष से कम उम्र के 2006 बच्चे हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ही किया जाता है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, दरअसल थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाने से लीवर खराब हो जाता है या फिर हार्ट फेल्योर का खतरा होता है, और इस बीमारी का अस्थायी निदान ही है बोन मैरो। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बार बार जो रक्त चढ़ाता शरीर में, ब्लड बनता नहीं है, बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता, और ये चीजें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के लिए है, खास करके उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, ज्यादा उम्र में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहां पर इसीलिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का चयन किया गया है, जिसकी संख्या 2006। ये सारा खर्च वहन करेगी बिहार सरकार। तो फिलहाल यहां से इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट में या फिर इस तस्वीर में यहां पर आप देख रहे हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे मनाया जाता है ये 8 मई को मनाया जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखने योग्य है। फिलहाल यहां पर इतनी सारी बातें हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बीजिंग चाइना में आयोजित 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते। यहां पर मे नहीं बल्कि ने होगा। देखिए इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल मिलाकर 8 पदक अपने नाम किया है, और इन 8 पदकों को लेकर जानकारी यहां पर आप देखेंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का जो आयोजन है ये 8 से लेकर 16 अगस्त तक ये बीजिंग चाइना में आयोजित किया गया। 8 से 16 अगस्त 2024 इसका ये आयोजन तिथि है, और इस प्रतियोगिता में भारतीय दल की अगर हम बात करें तो जिसमें गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 4 राज्यों के ये मतलब छात्र यानी कि 4 सदस्य दल इसमें भाग लिए थे, केवल ये 4 राज्यों से। ये नाम ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से, तो गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इस 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय दल ने, आपको ध्यान रखना, 3 प्रतियोगिता श्रेणी में, जिनमें यहाँ पर ये कैटेगरी है सिद्धांत और व्यवहारिक, पृथ्वी प्रणाली परियोजना, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दल दायर जांच, ये 3 श्रेणी में या फिर 3 कैटेगरी में कुल मिला के 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अर्थात 3 कांस्य पदक, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 8 पदक अपने नाम किया है। तो यहाँ से कई सारे बातें निकल कर आते हैं, कितने राज्यों के मतलब छात्रों का ये दल इसमें भाग लिया था, कितने दल थे इसमें, मतलब कितने सदस्य थे दल में, साथ ही साथ ये इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, कहाँ पर आयोजित हुआ, किस तिथि को आयोजित हुआ, भारत ने कितने पदक जीते, कई प्रकार के प्रश्न अराइज होंगे। ये तमाम बातें ध्यान आप लोग रखिए। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डैस का निधन हो गया। जुलाई 2023 में वे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। देखिए यहाँ पर यह हिंट है, इसको लेकर जानकारी हमने दिया भी था रिसेंटली, एक प्रश्न में, एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न में इनको लेकर हमने जानकारी आपको दिया है। अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करते हैं तो ये बातें आपको मालूम होगा। हालांकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है ये है राकेश पाल, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में 18 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिन्हें आप यहां पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए पिछले साल 19 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के वे 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाले थे। अच्छा, इनको लेकर एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है कि उनकी शानदार सेवा है, तो वर्ष 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में उन्हें राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। एक बात यहाँ पर यह भी है कि वह भारतीय नौसेना अकादमी के छात्र हैं और जनवरी 1989 में वे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। फिलहाल इनसे जुड़ी हुई ये सारी कॉमन जानकारी है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुरस्कार इन्हें मिला है, अभी ये खबरों में है, तो ये सारी बातें जरूर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न अराइज होगा तो ये आपको गिल्टी महसूस नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं,
बल्कि सारे तत्व जो हमने आपको कई बार मंत्र दिया है कि रिसेंटली जो एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट हुई है वहां पर यह देखने को मिला है कि जो चीजें खबरों में होती है उनसे मिलते जुलते हुए प्रश्न जो आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं वैसे वैसे पुराने तथ्यों को रिलेट करके पूछा गया है। प्रश्न पत्र खास करके प्रीवियस वर्षों का आप लोग जरूर देखिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो इसी के अनुरूप यहाँ पर ये चीजें हम आपको बतलाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखिए। एक अतिरिक्त जानकारी आपको ये दे दूं कि भारतीय तटरक्षक बल का औपचारिक उद्घाटन भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा 19 अगस्त 1978 को किया गया था। वीए कामत 19 अगस्त 1978 से 31 मार्च 1980 तक भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्य किए थे। ये पहले महानिदेशक थे वीए कामत। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य है। चलते अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी मैं आप सबों को देना चाहूंगा। अभी अगर हम सेना प्रमुखों की बात करें जो तीन कैटेगरी मूल रूप से देखने को मिलता है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तो 30वें थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी और 26वें नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 27वें वायुसेना प्रमुख है यानी एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी या फिर वी आर चौधरी। इन सभी को यहाँ पर क्रमशः आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये सभी को आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते, पहले भी कई दफा रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना आवश्यक है। साथ साथ जो क्रम यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा है ये भी बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को नई दिल्ली में किया गया। जो इसका आयोजन अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हुआ है, ये तिथि है 21 से 22 अगस्त 2024। ये 2 दिवसीय आयोजन था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाल ही में 21 और 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय ईयू भारत यानी कि भारत यूरोपीय या फिर यूरोपीय भारत ट्रैक 1.5 सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देश जैसे कि भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, साथ ही साथ यूरोप के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भाग लिया जो खास करके डिजिटल चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में कार्यरत हैं। इसे आसान शब्दों में समझिए कि इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है ये ऑनलाइन स्पेस का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा, यही इसका मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर ये खास करके सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, 21 और 22 अगस्त 2024 को यहाँ पर आयोजित हुआ। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में डेस्क यानी कि किस तिथि को नई दिल्ली में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके उद्घाटन संस्करण को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली तिथि पूछा गया है किस तिथि को ये आयोजित हुआ, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 20 से लेकर 22 अगस्त 2024 को। आपको बता दूं ये 3 दिवसीय 19वां CII इनका जो पूरा नाम होता है, जो फुल फॉर्म होता है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका पूरा नाम होता है, ये ध्यान रखिए ये इसका 19वां संस्करण है। तो ये 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन हाल ही में 20 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, ये इसका आयोजन तिथि है। साथ ही साथ इस आयोजन की अगर हम थीम की बात करें जो इसका निर्धारित विषय है ये है एक भविष्य का निर्माण, ये जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इस सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था और यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के एक संयुक्त पहल, संयुक्त रूप से इन सारे खास करके मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया। इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2005 में ये पहली बार आयोजित किया गया था, यानी इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में भी थी। अभी इसका 19वां संस्करण आयोजित हुआ है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन जो किया गया है ये राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन्हें संबोधित करते हुए किया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। अच्छा एक जानकारी आपको ये दे दूं कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत मौजूदा समय में अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि यूरोपीय संघ अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत जो आता है अफ्रीकी संघ के व्यापारिक भागीदार की दृष्टिकोण से ये चौथे नंबर पर आता है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जबकि यूरोपीय संघ जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ये पहले नंबर पर आता है। तो ये अतिरिक्त जानकारी थी और ये चीजें खबरों में है इसी वजह से यहाँ पर हमने बताया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा एम्पील क्या है जो कि जापान से संबंधित है।
देखिए एम्पिल जो है ये अभी जापान में आया एक चक्रवाती तूफान है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर ये विकल्प नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पिल आपको ध्यान रखना, मैं पुनः दोहरा दूं, ये जापान में आया एक चक्रवाती तूफान है। फिलहाल हमने इसके बारे में कोई जानकारी अतिरिक्त नहीं रखा है, बस इतना ही सफिशियंट है, एम्पिल जो है ये जापान में आया है और काफी तबाही यहाँ पर मचाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में 18 अगस्त 2024 को जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से कौन से सेना प्रमुख थे। क्रम के दृष्टिकोण से वे 19वें सेना प्रमुख थे, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन भारतीय सेना के 19वें सेना अध्यक्ष थे, जो कि अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2002 तक वो अपनी सेवा दिए थे। वे 1 अक्टूबर 2000 को जनरल वीपी मलिक से पदभार ग्रहण किए थे, यानी कि इनसे पहले इस पद पर जनरल वीपी मलिक थे। देखिए ये अभी हाल ही में खबरों में इस वजह से है क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। यहाँ पर देखिए वही पॉइंट हमने लिखा है, 18 अगस्त 2024 को 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनसे संबंधित एक प्रश्न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये वाला, द राइटिंग ऑन द वॉल वर्ष 2004 में जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन द्वारा लिखित एक उपन्यास है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। अच्छा एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना की बात हो रही है तो वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख यानी कि थल सेना की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे 30वें थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। देखिए जो विकल्प आपको दिख रहा है इन सभी विकल्पों में राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रौनक दहिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रौनक दहिया ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। जब ये प्रतियोगिता संपन्न होगी तब हम इसको लेकर जानकारी आपको ओवरऑल जरूर देंगे। फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जो अमान जॉर्डन में यह आयोजित हुआ प्रतियोगिता, इसमें रौनक दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने ग्रीको रोमन शैली के 110 किग्रा भार वर्ग में या फिर भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमिरुल्लाह कैफकन को 6-1 से हराकर, कैफकन को 6-1 से हराकर इस पदक को अपने नाम किया है। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको लेकर भी ये जरूर ध्यान रखिए। अच्छा ये तो बात रही यहाँ पर रौनक दहिया के बारे में, हालांकि इसके अतिरिक्त एक और पदक जो दूसरा पदक है वो भारत को जो मिला यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अतिरिक्त साईनाथ पारधी ने भारत के लिए दूसरा पदक जीता। उन्होंने पुरुषों के 51 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में कजाकिस्तान के रियासिल मोसन पर 3-1 से जीत के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है तो दो पदक फिलहाल जब तक ये वीडियो में आपको दे रहा हूं, दो पदक भारत को मिला है, दोनों नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रौनक दहिया और साईनाथ पारधी। ठीक है चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बांग्लादेश में हुए राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब विमेंस T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये निम्नलिखित में से कहाँ शिफ्ट किया गया है। अच्छा ये जानकारी पहले हम 3-4 बार आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जब घोषणा हुई थी कि ये बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता देखी गई है, जो खास करके यहाँ की जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना वो देश छोड़कर भाग चुकी है और मतलब मजबूर हो गई ऐसा करने पर और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये अब प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगा, इसे शिफ्ट किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए 20 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC द्वारा अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश की मेजबानी में आयोजित होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप को शिफ्ट कर दिया गया। अब ये कहाँ पर शिफ्ट किया गया है अभी हम आपको बताएं, UAE में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर वही सारे पॉइंट को हमने डिटेल में लिखा है कि बांग्लादेश में हुए राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब जो इसका आयोजन है ये 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक UAE में दुबई और शारजा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात 2021 में मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराया था। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यह भारत की मेजबानी में आयोजित होना था जो 2021 वाला T20 जो वर्ल्ड कप था मेंस कैटेगरी का, जो कि कोरोना महामारी के कारण ये UAE में करवाया गया था।
ठीक है, मेजबानी भारत के पास थी, ये भी शिफ्ट किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखिए। देखिए T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो रिसेंटली अगर मेंस कैटेगरी की हम बात करें, जो नवा संस्करण आयोजित हुआ, ये कहाँ पर आयोजित हुआ ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये जो नवा संस्करण था 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देखेंगे कि भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC T20 पुरुष में, जो T20 विश्व कप है, ये 2024 का खिताब दूसरी बार जीता। अभी तक की हम बात करें तो भारत इस खिताब को 2 बार जीत चुका है। पहली बार 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में ये खेला गया था और पड़ोसी देश पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना था। अच्छा, यहाँ पर भारत के अतिरिक्त अन्य दो टीम है, एक तो है इंग्लैंड और वेस्टइंडीज, जिन्होंने और 2-2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त पाकिस्तान 1 बार, श्रीलंका 1 बार और ऑस्ट्रेलिया 1 बार इस खिताब को अपने नाम किया। कुल मिलाकर 9 संस्करण इसका आयोजित हुआ, सभी की जानकारी यहां पर दी गई है। अच्छा, यहां पर एक बात ये ध्यान रखें, T20 वर्ल्ड कप को लेकर ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो अलग फॉर्मेट है एक दूसरे, यानी कि वनडे फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट में अगर हम देखें तो वनडे यानी कि एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप में भारत 2 बार खिताब अपने नाम किया है। एक तो 1983 में कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे, इनकी अगुवाई में, तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं। फिर 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। देखिए यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2023 में, पिछले साल, भारत की मेजबानी में 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था और इस खिताब को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। भारत अब तक जो खास करके इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया है, तो 1987 में, फिर 1996 में और फिर 2011 में इसकी मेजबानी किया था। ठीक है, अब ये रिसेंटली 2023 में किया है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले 11वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहाँ 19 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किया गया। ये आयोजन अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा द्वारा 19 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोजन की बात करें तो 19 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक, मतलब ये इसका आयोजन तिथि है, आयोजन अवधि है, ये ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में या फिर इस फोरम में 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस फोरम के अगर उद्देश्य की बात करें तो जन औषधि योजनाओं को बढ़ावा देना इसका एक मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर यहां पर खास करके नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है, प्रथम नीति निर्माता फोरम। अच्छा, यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो भारत हमेशा टीकों के उत्पादन और आपूर्ति में विश्व में अग्रणी रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है, सरकारी आंकड़ों के आधार पर टीकों की वैश्विक आपूर्ति में लगभग 60% का योगदान भारत का रहता है। ठीक है, इस मामले में भारत बहुत आगे रहा है, सर्वदा से ही आगे रहा है। ठीक है, अब भी भारत बहुत आगे है इस मामले में। नेक्स्ट चलते हैं 12वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वेस्टर्न इंडिया विलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो राइट आंसर होगा पंकज आडवाणी ने इस खिताब को अपने नाम किया। हाल ही में 18 अगस्त 2024 को भारतीय स्नूकर और विलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया विलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एस श्री कृष्णा को 822-520 के अंतर से हराकर यह उपलब्धि हासिल किया है। तो कुल मिला के बात यहां पर यह है कि इस प्रतियोगिता का जो खिताब है, ये पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया है। आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए इस वाले कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा। मात्र 399 रुपये में हम आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आपको अलग अलग कोचिंग संस्थानों में हजारों रुपये में मिलते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर कहें तो आपको प्रारंभिक परीक्षा, जो आगामी 71वीं बीपीएससी है, इसके लिए कंप्लीट पैकेज हम आपको देने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कोर्स के माध्यम से आप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑलरेडी सारी जानकारी आपको दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश कीजिए कि डिटेल में आप इसे लिखें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।